अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमारे पास जो परमानेंट एब्सेंट बच्चे हो जाते हैं और हम उनको आउट ऑफ स्कूल कर देते हैं, लेकिन 2-3 महीने के बाद जो है वो बच्चे इत्तेफाक से जो है तो आ जाते हैं। अब उनका हम लोगों को जो है तो नया एडमिशन करना पड़ता है, फिर से उनकी नया GR वगैरह वगैरह जो भी बातें होती है। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग कि वही बच्चों को हम अपने सरल में वापस कर सकते हैं, बगैर नया GR लिए हुए उनकी एंट्री जो है तो यहाँ पर हो जाएगी। वो किस तरह से करना है हमें, उसी क्लास के अंदर उसकी एंट्री हो सकती है, वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट पोर्टल में जाएंगे, जो भी अपने स्कूल का यूज़र ID और पासवर्ड वगैरह है वो वहाँ पर डालेंगे सरल के अंदर। लॉगिन कर लेने के बाद यहाँ पर हमारे सामने मेनू का ऑप्शन ओपन होता है। मेनू के ऑप्शन ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर अटैच रिक्वेस्ट और अटैच अप्रूवल है। ये हम अगर हमारी क्लास 7वीं तक है और 8वीं में हमारे पास जमात नहीं है तो हम उसके लिए यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास होता है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट और ट्रांसफ़र अप्रूवल। जो बच्चे दूसरी स्कूल में हमारे पास से चले जाते हैं उनके लिए ये ऑप्शंस यूज़ होते हैं। और ये जो ऑप्शन है ट्रांसफ़र आउट ऑफ स्कूल, ये हम लोग ऑप्शन अब इस्तेमाल करेंगे हमारे जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे जिन्हें हमने कर दिए हैं परमानेंट एबसेंट वाले बच्चों को। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रांसफ़र आउट ऑफ स्कूल रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और ये क्लिक होने के बाद यहाँ पर हमारे सामने ट्रांसफ़र आउट ऑफ स्कूल सर्च वाला बटन आएगा, उसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। सर्च बाय का ऑप्शन आता है, सर्च बाय के अंदर यूज़र ID, स्कूल UDIs वगैरह यहाँ पर इस तरीके से है। अब हम उसको सर्च कर रहे हैं, वो हमारी स्कूल का ही था, इसके लिए हमारी स्कूल का ही इसके अंदर उसका ID आएगा, सरल का जो ID होता है हमारा। और इसका सर्च के बटन पर हम लोग जब जाएंगे तो यहाँ पर उसकी जो ID हम लोग डालते हैं स्कूल का, UDIs जो हमारा प्रीवियस स्कूल UDIs जो डालते हैं, UDIs कोड, तो UDIs कोड डालने के बाद, हमारे स्कूल का UDIs कोड डालने के बाद ये देखिए स्कूल का नाम आ जाता है। अब वो कौन सी क्लास में है तो यहाँ पर ऑल का ऑप्शन आता है, स्ट्रीम में ऑल डालना है और फाइंड करना है। फाइंड करने से पहले हमको ईयर, जो अभी ईयर चल रहा है हमारा, वो ईयर हम डाल सकते हैं क्योंकि अभी अभी बच्चा गैर हाजिर था 2 महीने 3 महीने से और वापस जो है तो वो आया है। इस तरीके से फाइंड के ऑप्शन पर जाएंगे हम लोग। फाइंड का ऑप्शन जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हुए हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो उन आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हुए हैं उनको सर्च करना है अगर, तो हम लोग सर्च करने के लिए यहाँ पर वो बच्चे का GR नंबर डालेंगे। अब जैसे ये बच्चे का GR मैं डाल दिया हूँ, अब इसको मुझे सर्च करना है लेकिन वो आ नहीं रहा है, तो हम लोग नाम से भी जो है तो डाल सकते हैं, नाम भी डाल सकते हैं बच्चे का। ये देखिए थोड़ा सी अगर हम लोग नाम डालते हैं और वो बच्चा अगर आउट ऑफ स्कूल हुआ है तो यहाँ पर वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये बच्चा जो है तो आउट ऑफ स्कूल हुआ था, उसको हम लोगों को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट कर लेने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, उसको हम लोगों को कौन सी क्लास में वापस डालना है, थर्ड से गया था तो थर्ड में ही डालना है, नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक करना है, डिवीज़न उसका बी था तो बी, और GR जो था हम लोग GR उसका वापस वही डाल देंगे, GR भी डाल दिए। डेट ऑफ़ एडमिशन अगर आपको पता नहीं है या पता है तो वो हिसाब से जो भी डेट ऑफ़ एडमिशन थी उसकी, वो डेट ऑफ़ एडमिशन यहाँ पर डालने के बाद उसको सेंड रिक्वेस्ट कर देना है। यहाँ पर डेट ऑफ़ एडमिशन पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ पर डेट ऑफ़ एडमिशन भी जो है तो डाल देते हैं, जो भी उसका डेट ऑफ़ एडमिशन हुआ था। डेट ऑफ़ एडमिशन डाल देने के बाद यहाँ मैं डेट ऑफ़ एडमिशन भी उसका डाल दिया हूँ और उसको हम लोग सेंड रिक्वेस्ट कर देंगे। ये वो पूछ रहा है आर यू श्योर सेंड स्टूडेंट रिक्वेस्ट, तो यस करना है। सक्सेसफुली सेंड उसकी रिक्वेस्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हम अब जाएंगे वापस मेनू के अंदर। मेनू में जाकर हमने यहाँ पर
ट्रांसफ़र आउट ऑफ स्कूल रिक्वेस्ट किए थे, अब हम लोग ट्रांसफ़र आउट ऑफ स्कूल अप्रूवल में जाएंगे। उसके नीचे वाले ऑप्शन पर जाएंगे। उसके नीचे वाले ऑप्शन पर जाने के बाद हम लोगों को देखो सामने जो है तो उस बच्चे की रिक्वेस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। ये देखो उस बच्चे का अंसारी सबा अहमद शमशेर, उसकी रिक्वेस्ट यहाँ पर आ गई है। हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पर अप्रूव कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये अप्रूव करते हैं, और अप्रूव करने के बाद उसको रिक्वेस्ट को प्रोसेस रिक्वेस्ट कर देना है। आर यू श्योर? यस। इसके ऊपर क्लिक करना है। स्टूडेंट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो गया। अब उस बच्चे को हम देखते हैं कि वो थर्ड बी में आया या नहीं आया, तो उसके लिए हम लोग अपडेट स्टूडेंट डिटेल में जाएंगे, हमारी क्लास पे जाएंगे जो हमारी क्लास है उस पर, और उसके बाद डिवीज़न पर जाएंगे जो हमारा डिवीज़न है वो, और गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर अब मैं वो बच्चे को सर्च करता हूँ। सबा नाम का है ये लड़का है, इसका नाम थोड़ा ऐसा है, सबा अहमद शमशेर अंसारी। देखिए यहाँ पर वो आ गया है। तो इस तरीके से अब जो भी उसके यहाँ पर हम लोग अपडेट करके बच्चे की इंफॉर्मेशन जो अगर गलत होगी तो वो करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अगर कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल हो गया है और वो बाद में आता है तो हम उसको यहाँ पर वापस ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।